आईपीएस अंकिता शर्मा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बॉलीवुड एक्टर्स तक सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रवीना टंडन ने भी अंकिता की तारीफ करते हुए उन्हें असली हीरोइन बताया है। आइए जानते हैं आईपीएस अंकिता शर्मा की सक्सेस स्टोरी। देश के सबसे काबिल पुलिस अफसरों में से एक अंकिता शर्मा 2018 बैच की आईपीएस अफसर है और छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। फिलहाल अंकिता नक्सल प्रभावित बस्तर की एएसपी हैं। हाल ही में अंकिता शर्मा ने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में जाने के दौरान अपनी फोटो सोशल मीडिया में शेयर की थी। ये पहला मौका है जब बस्तर में कोई महिला आईपीएस अफसर एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों के साथ नक्सलियों के गढ़ में सर्चिंग पर निकली हूँ। अंकिता शर्मा के नक्सल ऑपरेशन में AK-47 लेकर गश्त करने की फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन समेत अंकिता शर्मा के फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रवीना टंडन ने ट्वीट कर अंकिता शर्मा की फोटो शेयर करते हुए उन्हें असली हीरोइन बताया, तो वहीं उनके फैंस उन्हें लेडी सिंघम ऑफिसर कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली अंकिता ने शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की थी। ग्रेजुएशन करने के बाद अंकिता ने MBA किया और UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली चली गयी। वो दिल्ली में सेल्फ स्टडी कर आईपीएस अधिकारी बनने में सफल रही। 25 जून 1990 को जन्मी अंकिता के पिता राकेश शर्मा पेशे से व्यापारी थे, जबकि उनकी माँ सविता शर्मा गृहिणी थी। अंकिता तीन बहनों में सबसे बड़ी है। अंकिता शर्मा की शादी आईपीएस अधिकारी बनने से पहले ही हो गई थी। उनके पति भारतीय सेना में मेजर है और अभी मुंबई में तैनात है। अंकिता को घुड़सवारी और बैडमिंटन खेलने का शौक है।